भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने लगातार पांचों और अपने करियर का 59वां अर्धशतक जमाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अकेली पड़ गई। शायद यही वजह है कि भारतीय महिला टीम पहले वनडे में आज मंगलवार को कंगारू महिलाओं के सामने सिर्फ 226 रन का लक्ष्य रख पाई। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने के लिए 250 रन से अधिक का स्कोर बनाना था। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम नियमित अंतराल में विकेट गंवाती रही। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी मिताली ने 107 गेंदों पर 61 रन बनाए। तीन चौके वाली अपनी इस धीमी पारी के दौरान एक ऐसा मौका आया जब हर किसी की सांसें थम गई। बेहद तेजी से आई एक शॉट बॉल सीधे जाकर मिताली राज के हेलमेट पर जा गिरी। मामला पारी के 15वें ओवर का है। एलिसा पैरी ने चौथी बॉल बाउंसर मारी, डक करने के चक्कर में गेंद सीधी मिताली के हेलमेट पर जा गिरी। आनंद फानन में फिजियो तोड़कर मैदान तक पहुंचे, हालांकि बॉल हेलमेट से लगकर विकेटकीपर के पीछे की ओर गई। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक रन भी दौड़ लिया। वैसे हेलमेट नहीं बदला गया, वो इसी गियर के साथ मैदान पर डटी रही। इस दौरान मिताली राज ने अपने करियर में 20,000 रन भी पूरे कर लिए, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन और घरेलू क्रिकेट में 10,000 के आसपास रन। 1999 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले मिताली राज का ये सफर अभी भी जारी है। उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। मुकाबले में एक समय भारतीय टीम संघर्ष करती नजर आने लगी थी और 200 रन तक पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा था, लेकिन मिताली के अलावा ऋचा घोष के कुछ दमदार शॉट्स की बदौलत टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल हो गई। घोष ने 29 गेंदों पर नाबाद 32 रन की पारी खेली। झूलन गोस्वामी ने भी बल्ले से बखूबी योगदान दिया, उन्होंने 24 गेंदों पर 20 रन बनाए। इनके अलावा यास्तिका भाटिया ने 51 गेंदों पर 35 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना महज 16 रन की बना पाई।